मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पुलिस उप महानिरीक्षक शहर रेंज धर्मेंद्र चौधरी द्वारा आगामी चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए शहर में हो रही लूटपाट की वारदातों पर अंकुश लगाने व उनमें संलिप्त आरोपियों की धरपकड़ हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशों के पालन में पुलिस अधीक्षक दक्षिण श्री राहुल कुमार लोढ़ा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री दिनेश कुमार कोचल व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती रश्मि मिश्रा के मार्गदर्शन में SDOP श्री दिनेश अग्रवाल के नेतृत्व में थाना प्रभारी कटारा हिल्स द्वारा टीम गठित कर लुटेरों की पतारसी हेतु मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया। इसी के चलते थाना क्राइम ब्रांच व थाना कटारा हिल्स टीम द्वारा लूटपाट की योजना बनाते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही अंकुर कॉम्प्लेक्स के पास हुई 7 लाख की लूट की घटना के प्रयास का भी पर्दाफाश किया गया। इन आरोपियों के नाम इस प्रकार हैं: सफदर इमरान खान, शाहिद मोहम्मद, विलाल खान एवं हनीफ खान। देखिए कैमरामैन अमित के साथ साउथ सिद्दीकी की भोपाल से एक रिपोर्ट। और महाराष्ट्र के अधिकारी आए हैं।